नमस्कार, नेक्स्ट नाइन लाइफ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे आज के इस खास वीडियो में। वीडियो की शुरुआत करेंगे और बात करेंगे टीवी एक्ट्रेस तुनिशा शर्मा के केस की। बता दें कि तुनिशा शर्मा के केस में फाइनली अब कोर्ट का फैसला आ चुका है। कोर्ट ने शजान खान को जमानत देने का फैसला सुनाया है। बीते 2 मार्च को एक लंबी बहस के बाद आखिरकार अब शजान खान को जमानत दी जा चुकी है। हालांकि अभी भी शजान खान पुलिस रिमांड में ही रहेंगे, क्योंकि जैसा कि हम सभी जानते हैं कि शनिवार होने की वजह से आज शजान खान को कोर्ट में जमानत तो दे दी गई है, लेकिन जो 1 लाख रुपए की रकम उन्हें कोर्ट में जमा करनी थी उसके होने की वजह से काफी वक्त लग गया, जिसकी वजह से शजान को जमानत तो मिल गई, लेकिन अभी भी उन्हें शनिवार और रविवार को पुलिस रिमांड में ही रहना होगा। बता दें कि शजान खान को अब सोमवार को पुलिस रिमांड से बाहर लाया जाएगा, यानी कि तकरीबन 2.5 महीने के इंतजार के बाद अब शजान खान फाइनली आजाद है। हालांकि शजान खान पूरी तरह से आजाद नहीं है। जी हाँ, आपको बता दें कि शजान खान को जमानत तो मिल गई है, लेकिन कई बड़ी शर्तों पर कोर्ट ने शजान खान को जमानत दी है। यहाँ पर अगर बात करें तो कोर्ट में तुनिशा शर्मा के केस में शजान खान के परिवार को तकरीबन 1 लाख रुपए जमा करने पड़े हैं और इसके बाद ही उन्हें जमानत दी गई। वहीं दूसरी ओर अगर हम बात करें शजान खान के वकील की, तो आपको बता दें कि शजान खान के वकील की ओर से कई बड़े खुलासे किए गए हैं, वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन यहाँ पर सीधे सीधे कहा जा सकता है कि तकरीबन 2.5 महीने के बाद अब शजान खान के परिवार के लिए एक बड़ी खुशखबरी आई है। फिलहाल के लिए इस खास खबर पर इतना ही। ऐसी ही तमाम अपडेट से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 लाइफ।